हेलो स्टूडेंट्स आइए हम आज की आपकी वर्कशीट देखेंगे वर्कशीट नंबर ट्वेंटी सेवन हमें पता है ये वर्कशीट थोड़ी आज लेट हो गई है क्योंकि इस वीक हम थोड़ा सा बिजी थे यूनिवर्सिटी में हम जॉब करते हैं और उसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा था और साथ ही साथ इस वीक मेरा बर्थडे भी था तो हम थोड़ा सा उसमें भी बिजी थे तो खैर जो भी है आज हम चलते हैं फिर इस वर्कशीट पे जो है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर ट्वेंटी सेवन. तो ये जो वर्कशीट है आपकी ये है मोडाल्स पर तो इस वर्कशीट में आपको बताया गया है मोडाल्स आर द वर्ब्स दैट टेल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस तो एक सेंटेंस का जो मेन वर्ब है जो इम्पोर्टेंट एक्शन वर्ड है उसके बारे में और बताता है तो हम ऑलरेडी एक वर्कशीट इस पे कर चुके हैं एक और ये वर्कशीट है तो अगर आपको और समझना है तो आप पिछली वीडियो भी मोडाल्स पर जो है वो देख सकते हैं तो मोडाल्स एक्सप्रेस प्रॉबिलिटी नेसेसिटी एंड परमिशन तो मोडाल्स यूज करके हमें ये पता चलता है कि क्या किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी है कितना वो हो सकता है या नहीं हो सकता है नेसेसिटी कितना अर्जेंट है उसे होना कि हाँ जरूरी है उसे होना परमिशन मतलब कि क्या आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि ये होने देना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए

दूसरा है इम्पॉसिबिलिटी कितना होना इम्पॉसिबल है कि नहीं हो ही नहीं सकता और तीसरा है सर्टेनिटी कि हाँ पक्का ये होगा तो पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें आ जाते हैं मे माइट कैन कुड तो अगर समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन मतलब हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है कि होगा ही होगा तब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं तो मे और कैन जो है वो जनरली प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए यूज होता है तो अगर ऑलरेडी आपका वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आप उससे पहले मे या कैन लगा सकते हैं लेकिन अगर आपका वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो आप उसके साथ माइट या कुड लगाएंगे फिर दूसरा है आपका इम्पॉसिबिलिटी तो इम्पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज करेंगे कैन नॉट और कुड नॉट वही सिमिलर रूल है कि अगर मेन वर्ब जो है वो प्रेजेंट uh, टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो आप कैन नॉट यूज करेंगे पास्ट टेंस में है तो आप कुड नॉट यूज करेंगे तो जब समथिंग इज इम्पॉसिबल मतलब वो हो ही नहीं सकता है तब हम मोडाल्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी यूज करते हैं फिर है आपका मोडाल्स ऑफ सर्टेनिटी जिसमें आप यूज करेंगे मस्ट तो इसमें आप लिखेंगे वी आर श्योर समथिंग इज ट्रू एंड वी हैव रीजन फॉर आर बिलीव तो जब हमें बिल्कुल सर्टेनिटी है बिल्कुल पक्का ही पक्का है कि हाँ ये जरूर होगा और हमारे पास रीजन्स भी हैं कि ये क्यों पॉसिबल है होना क्यों पक्का होगा ये इसीलिए तब हम फिर मस्ट यूज करते हैं तो ये आपको बता दिया है यहाँ जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं फिर हम चलेंगे आपकी एक्सरसाइज की तरफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ तो पहला है आपका राम सिंह मे ओपन शॉप टूमोरो तो आप देख सकते हैं कि ये टुमारो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है आने वाले कल की बात हो रही है मेन वर्ब है यहाँ पर ओपन तो राम सिंह जो है कल शॉप ओपन करेगा लेकिन इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है क्या वो पक्का पक्का ओपन करेगा या ऐसा हो सकता है कि वो मतलब पॉसिबल है बिल्कुल हो सकता है कि वो करेगा लेकिन अब बहुत ही पक्का नहीं है क्या पता कुछ हो जाए जिसकी वजह से ना ओपन कर पाए तो इसीलिए अब ओपन से पहले आप लगा रहे हैं मे तो देखिए यहाँ माइट नहीं है मे है क्योंकि ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा है तो यहाँ पर टेंस है फ्यूचर तो टाइप ऑफ मोडल है पॉसिबिलिटी कि हाँ ये पॉसिबल है इट इज पॉसिबल दैट राम सिंह में ओपन है शॉप द नेक्स्ट डे अगला है आपका शी कांट बी इल इसमें कांट जो है वो कैन नॉट है तो ये कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो कांट होती है उसमें ओ टी हटाकर हम ये ऊपर अपॉस्ट्रफी लगा देते हैं तो ये जो है प्रेजेंट की बात हो रही है प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस की कि हाँ अभी वो इल नहीं हो सकती वो अभी बीमार नहीं हो सकती ये इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो सकती और क्यों नहीं हो सकती क्योंकि अभी तुमने दो घंटे पहले ही उसको खेलते हुए देखा था तो अभी बीमार नहीं हो सकती वो फिर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है यू मस्ट बी थर्स्टी तो यहां पर ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है सर्टेनिटी है कि हाँ तुम्हें जरूर प्यास लगी होगी क्योंकि तुम अपनी वाटर बॉटल साथ में नहीं लाए हो नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक अब इसे ध्यान से देखिए लास्ट वीक मतलब पहले की बात हो रही है मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है गॉन तो मेन वर्ब है यहां पर गॉन हैव गॉन ये मेन वर्ब है तो इसीलिए हम जो मोडाल लगा रहे हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं कुड नॉट कैन तो नॉट नहीं लगा रहे हैं कुड नॉट लगा रहे हैं क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है इम्पॉसिबिलिटी है क्यों रीजन ये है कि वो जो है वो क्वारंटाइन में थी पिछले दस दिनों से इसलिए वो जो है वो लास्ट वीक स्कूल नहीं गई होंगी खेमू मस्ट बी हियर सर्टेनिटी है मैंने उसकी साइकिल बाहर देखी इसलिए खेमू यहीं पर होगा राजी कुड हैव वन द कॉम्पिटिशन फिर अगेन ध्यान दीजिए वन जो है वो मेन वर्ब है यहां पर और वो पास्ट टेंस में है प्रेजेंट टेंस होता है विन और पास्ट टेंस होता है वन अब ये वन जो है तो इसलिए पास्ट में है तो इसलिए यहां पर कुड लगाया है ठीक है पॉसिबिलिटी है तो कुड है पॉसिबिलिटी नहीं होती तो कुड नॉट होता तो मेन वर्ब है यहाँ पर वन हैव है यहाँ हेल्पिंग वर्ब और इनके बारे में और इंफॉर्मेशन uh, देने के लिए हमने लगाया है कुड तो उसकी अच्छी आवाज है तो वो जीत सकती थी जरूर है कि उसने जीता होगा आगे चलते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पर अब तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है भूषण डैश अटेंड ऑनलाइन क्लास ही डिड नॉट हैव सफिशियंट मोबाइल डेटा तो ध्यान दीजिए यहाँ है डिड नॉट तो डिड नॉट का मतलब है कि डिड नॉट का मतलब है पास्ट टेंस तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आप लिखेंगे भूषण कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास तो मैं कुड यहाँ यूज कर रही हूँ नॉट इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि उसके पास मोबाइल डेटा नहीं था इसलिए वो अटेंड नहीं कर पाया होगा भूषण कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास अगला चलते हैं आपका अगला है गीताज कांटेक्ट नंबर इज अनरीचेबल शी डैश गॉन टू हर होम टाउन तो यहां पर गॉन देखिए तो यहां पर हम कह रहे हैं कि उसका जो गीता का कांटेक्ट नंबर है अनरीचेबल है तो वो जरूर अपने होम टाउन गई होगी शी मस्ट हैव गॉन टू हर होम टाउन इसीलिए अनरीचेबल है ध्यान दीजिए मैंने यहाँ हैव भी लिखा है क्यों क्योंकि यहाँ गॉन है तो गॉन हम खाली नहीं लिख सकते शी मस्ट गॉन टू हर होम टाउन वो इनकरेक्ट है वो गलत है तो इसलिए आप लिखेंगे शी मस्ट हैव गॉन तो हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है साथ में हैज हैव डालते हैं हम तो इसलिए यहाँ पर हैव हम लगाएंगे शी मस्ट हैव गॉन टू हर होम टाउन आगे चलते हैं आपका थर्ड है द टीम इज प्लेइंग वेल दे डैश विन तो जो आपकी टीम है वो अच्छा खेल रही है दे मे विन हो सकता है कि वो जीत जाए देखो मैं यहाँ पर दे मस्ट विन इसलिए नहीं लिख रही हूं क्योंकि अगेन गेम तो गेम है क्रिकेट तो आपने देखा ही होगा आखिरी बॉल पे भी कुछ भी हो सकता है तो उसी तरह से ये पॉसिबिलिटी है सर्टेनिटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है और क्योंकि इज लगाए या प्रेजेंट है तो मे यूज करेंगे दे मे विन फिर है आपका द फ्रूट वॉज लेफ्ट अनकवर्ड इट डैश फुल ऑफ जर्म्स तो जो आपके फ्रूट आपने काट के रखे थे वो कटे हुए हैं और वो अनकवर्ड है तो कभी भी जब हम फ्रूट्स को ऐसे रखते हैं तो क्या होता है तो उनमें जर्म्स आ जाते हैं तो दे मस्ट बी फुल ऑफ जर्म्स तो फ्रूट जो है काट के रखे हुए थे और अनकवर्ड थे ढके हुए नहीं थे तो इसलिए उनमें जरूर ही जर्म्स आ गए होंगे दे इट मस्ट बी फुल ऑफ जर्म्स आगे चलते हैं इट इज संडे टुडे वी डैश ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे तो आज संडे है संडे को तो हॉलिडे होता है तो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो यहां पर आ जाएगा कैन नॉट तो वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे और क्योंकि इज है यहाँ पर तो इसलिए कुड नॉट नहीं आएगा प्रेजेंट है तो कैन नॉट आएगा वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे फिर है आपका यू आर गोइंग आउटसाइड डैश यू आर गोइंग आउटसाइड यू डैश वेयर अ मास्क तो बाहर जब जाते हैं तो हम मास्क पहनते हैं ये पॉसिबिलिटी है या कंपल्सरी है सर्टेनिटी है ये कंपल्सरी है यू मस्ट वेयर अ मास्क तो जब भी आप बाहर जाए तो आप मास्क पहन कर जाए सो यू मस्ट वेयर अ मास्क फिर सेवेंथ है आपका आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई इट डैश रेन तो मुझे यहाँ पर ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे हैं आसमान में तो इट मे रेन अगेन आई सी है आई सॉ नहीं है तो प्रेजेंट टेंस है तो इट मे रेन पॉसिबिलिटी है अगेन ब्लैक क्लाउड है पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है बारिश हो जाए पर पता नहीं बारिश का पता नहीं चलता क्या पता ना भी हो तो इसीलिए सर्टेटी नहीं है यहाँ पर इट मे रेन फिर है आपका इफ वी डोंट हरी वी लेट वी डैश लेट सो अगर हमने जल्दी नहीं की हम लेट हो सकते हैं तो यहां पर आप लिखेंगे इफ वी डोंट हरी वी मे गेट लेट तो हो सकता है हम लेट हो जाए वी मे गेट लेट उसके बाद है आपका नाइन्थ यू हैव रेड द स्टोरी यू डैश नो द आंसर तो तुमने स्टोरी पढ़ी हुई है इसलिए तुम्हें जरूर आंसर पता होगा यू मस्ट नो द आंसर यू हैव रेड द स्टोरी ठीक उसके बाद लास्ट है आपका आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्वाइट लेट आई डैश फिनिश इट टूडे तो मैंने जो है ये जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था वो लेट शुरू किया तो so, स्टार्टेड है यहाँ पर देखिए ये past टेंस है तो so, आप लिखेंगे आई कुड नॉट फिनिश इट today. तो so, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे काम कर रहा था मैं तो इसलिए मैं उसको टाइमली फिनिश आज नहीं कर पाया तो so, आज की वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट में आपके इतना ही है अब चलते हैं आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट तो अब आगे चलते हैं आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट पर ज्योग्राफी की ये वर्कशीट है चैप्टर फोर आपका क्लाइमेट है उस पर बेस्ड ये वर्कशीट है वर्कशीट नंबर ट्वेंटी टू वेदर एंड क्लाइमेट ये ट्वेंटी टू मुझे लग रहा है ये गलत लिखा है यहाँ पर क्योंकि हम ऑलरेडी कई वर्कशीट कर चुके हैं खैर आगे चलते हैं तो प्रिलूड ये है कि जनरली वी यूज द टर्म वेदर एंड क्लाइमेट इंटरचेंजेबली बट इन रियालिटी द मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट तो आप घबराइए मत ये वर्कशीट देखकर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे बाद में मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगी ये वर्कशीट तो हम जो ये टर्म्स है वेदर और क्लाइमेट हम ये जनरली जो है एक जैसे तरीके से यूज करते हैं एक ही तरीके से इसको हम यूज करते हैं ये मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूं तो देखिए मौसम और जलवायु तो हम मौसम और जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं लेकिन वास्तव में इन दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो अब मौसम और जलवायु में क्या फिर फर्क है इनमें डिफरेंस क्या है तो मौसम एक समय विशेष में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान का मौसम कहा जाता है तो एक टाइम पे एक एरिया में एटमॉस्फेयर में उस एक प्लेस की क्या सिचुएशन है उसमें क्या उस वक्त क्या सिचुएशन है उसे मौसम कहा जाता है वहीं जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि में मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है तो अब जलवायु में ये डिफरेंस है कि मौसम जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है मतलब एक समय में इस इस जगह में क्या फिलहाल सिचुएशन है क्या अवस्था है क्या वहां पर कंडीशंस हैं उसके बारे में उसको वो जो है वो मौसम होता है लेकिन वहीं अगर एक बड़े एरिया में बहुत लंबे टाइम तक तो लंबा टाइम वो तीस वर्ष से ज्यादा इतना होना चाहिए तो तीस वर्ष से ज्यादा मतलब इतने लंबे टाइम तक अलग अलग मौसम जो हुए हैं उन तीस सालों में उस जगह पर उसका फिर जब हम एवरेज निकालते हैं औसत निकालते हैं तो उसे उस स्थान की जलवायु कहा जाता है तो जल्दी से इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देती हूँ द स्टेट ऑफ ओवर एन एरिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर वेदर द सम टोटल एटमोस एंड ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज मोर देन थर्टी ईयर इज कॉल्ड क्लाइमेट उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इट इज कैलकुलेटेड और रेफर्ड फॉर स्मॉल एरिया तो जो वेदर है वो छोटे एरिया छोटे क्षेत्रों के लिए उसे कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि एक टाउन का मौसम क्या है आपके गांव का मौसम क्या है आपके जो एरिया है लोकेलिटी है उसका मौसम क्या है वही क्लाइमेट जो है वो कंपेरेटिवली बहुत लार्जर एरिया बड़े क्षेत्रों के लिए उसे कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि इस कंट्री की जलवायु ये है इस कंट्री की क्लाइमेट ये है या इन सभी कंट्रियों की क्लाइमेट ये है फिर थर्ड आपका डिफरेंस है इट मे फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे तो वेदर जो है मौसम जो है वो एक ही दिन के अंदर भी अलग अलग हो सकता है आप भी सोचते होंगे कि जब सुबह आप उठते हैं तो थोड़ा ठंडा सा लग रहा होता है लेकिन दिन आते आते दिन चढ़ते चढ़ते फिर एकदम तेज गर्मी हो जाती है रात होते होते शाम होते होते फिर थोड़ा सा ठंडा होने लगता है तो एक ही दिन के अंदर वेदर या मौसम जो है वो अलग अलग हो सकता है फ्लक्चुएट करता है वो चेंज करता रहता है वही क्लाइमेट जो है जलवायु जो है वो इट रिमेन्स सेम फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि हम एक बहुत लंबे समय की एक average निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं तो इसलिए क्लाइमेट जो है जनरलीम ही रहती है अब एग्जाम्पल के तौर पर इवन इन डे वी कैन हैव सनी और स्टॉमी और इवन रेनी कंडीशन ये मैंने मौसम के एग्जाम्पल में अभी आपको बताया वही क्लाइमेट में द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ मॉनसून टाइप तो हमारी जो क्लाइमेट है उसे हम मॉनसून टाइप कहते हैं तो अगर एवरेज निकालें, तो साउथ इंडिया में जनरली जो है वो अः मानसून टाइप ही रहता है थोड़ा ठंडा सा ही रहता है थोड़ा बारिश का ज्यादा रहता है वहीं नॉर्थ में जो है थोड़ा वेरी होता रहता है ईस्ट इंडिया में जो है अगेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फिर से थोड़ा मानसून वाला टाइप रहता है वहीं वेस्ट इंडिया में जो है थोड़ा डेजर्ट का गर्म रहता है लेकिन अगर एवरेज पूरी निकाले इस बड़े क्षेत्र की तो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो थोड़ी मॉनसून टाइप की आती है तो एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है द एलिमेंट्स ऑफ बोथ वेदर एंड क्लाइमेट आर टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल तो मौसम और जलवायु दोनों के ही जो तत्व हैं वो है तापमान वायुमंडलीय दाब पवन आर्द्रता तथा वर्षन ठीक है तो ये इनके जो है ये तत्व हैं ये एलिमेंट्स हैं इन, इन इससे आपको पता चलता है कि एक क्षेत्र के मौसम या जलवायु कैसा है तो आगे चलते हैं आपको बताया गया है जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं तो यहाँ पर आप हिंदी में इसे देख लीजिए वहीं मैं जल्दी से आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट तो पहला फैक्टर है लैटिट्यूड अक्षांश जो है उससे क्या असर पड़ता है जलवायु पर On moving from equator to poles, the amount of टू पोल्स द अमाउंट ऑफ also decreases. दिस इज why पोलर एरियाज आर ऑलवेज कवर्ड विद आइस तो जब आप इक्वेटर जो है आपकी जो ग्लोब पे आपने ये लैटिट्यूड में इक्वेटर में आपने पढ़ा होगा कि अक्षांश में जो विषुवत वृत्त है ये जो विषुवत वृत्त जो है वहां से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं हम पोलर एरियाज की तरफ जब हम जाते हैं तो इंसुलेशन जो है घटता जाता है मतलब कि तापमान टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है तो इसी वजह से तो जितना जितना पोलर रीजन की तरफ जाएंगे ध्रुवों की तरफ जाएंगे उतनी उतनी ठंड बढ़ती जाती है इसीलिए जो पोलर एरियाज जो हैं वो जो है बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं विशुवत वृत्त पे पड़ती हैं और जितना जितना अः अगर हम पोलर एरिया ध्रुवों की तरफ जाए तो वहां पर सूरज की किरणें कम पड़ती हैं क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है वो गोल है तो इसी वजह से वहां पर ध्रुवों पर सालों साल जो है ठंड रहती है फिर आपके चलते हैं दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई तो सी लेवल से कितना डिस्टेंस है समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और तापमान घटता जाता है यही कारण है कि गर्मियों में भी पर्वतीय इलाके ठंडे होते हैं तो जितना जितना आप सी लेवल से थोड़ा ऊपर ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा उसी तरह से एटमॉस्फेयर कंडीशन जो है वो और ज्यादा जो है डेंस डेंसिटी जो है वहां पर वो कम होती जाती है एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंसर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस तो टेम्परेचर जो है तापमान कम हो जाता है इसीलिए जो हिली एरियाज हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं तो आप देखते होंगे कि जून जुलाई में दिल्ली के लोग शिमला मनाली ये जगह बहुत जाते हैं क्यों क्योंकि जून जुलाई के टाइम पर भी जो है वो एरिया जो है ठंडे रहते हैं फिर है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी तो दूसरा आपका था ऑल्टीट्यूड तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सी स ऑफ सी ब्रीजेस डिक्रीजेस एंड वी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन तो जैसे जैसे हम सी से जो है समुद्र जो है उससे दूर दूर जाते जाते हैं वैसे ही जो सी ब्रीजेस हैं जो समुद्र की जो हवाएं हैं उनसे जो असर पड़ता है मॉडरेटिंग इफेक्ट जो होता है जो इन्फ्लुएंस वो करता है समुद्री हवाएं जो है वो तापमान को एक जैसा रखने में जो हेल्प करती हैं वो जैसे जैसे हम समुद्र तट से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे उनका प्रभाव कम होता जाता है इसीलिए जो है टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो यही रीजन है कि समुद्र के किनारे वाले जो शहर होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई है या साउथ इंडिया के जितने भी शहर हैं जो जो समुद्र तट के बहुत ही करीब है तो वो सालों साल जो है मौसम उनका लगभग एक जैसा ही रहता है जैसे अगर आप बैंगलोर की बात करें या इवन आप केरला की बात करें तो वहां पर जो है सालों साल जो है मौसम सेम ही रहता है लेकिन दिल्ली जो कि समुद्र से दूर है उसमें और ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी होती है फिर है आपका वायुदाब और पवन तंत्र तो इसमें क्या है कि वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान की अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम और तापमान कम होने पर वायुदाब दाब अधिक होता है तो प्रेशर और विंड सिस्टम तो प्रेशर और विंड सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि वो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना ही आ, आपका प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा वहीं जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एटमोस्फेरिक जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फिर है आपका ओशियन करंट अलोंग विद ऑन श्योर विंड वार्म और कोल्ड ओशियन करंट फ्लोइंग पास द कोस्टल एरिया अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ दट एरिया विद वार्म और कोल्ड क्लाइमेट तो वही जो महासागरीय धाराएं जो हैं, तो उनके गर्म या ठंडे होने के हिसाब से उसके तटीय क्षेत्रों का तापमान भी गर्म या ठंडा हो जाता है तो so, जैसी वहां पर धाराएं हैं उन्ही के हिसाब से जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, वो गर्म या ठंडे होते हैं तो so, अगर आप चेन्नई जाएंगे तो वहां आपको गर्मी महसूस होगी वहीं पर अगर आप केरला की के तरफ जाएंगे वहां आपको थोड़ा ठंडा लगेगा फिर है आपका उच्चावच स्थलाकृति पर्वत पठार या मैदान तो किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं और जलवाष्प वाले वायु के मार्ग को रोक कर वर्षा करवा सकते हैं तो रिलीफ फीचर्स तो माउंटेन्स प्लेटो या प्लेन्स तो उसमें क्या सिचुएशन है कि अगर हाई माउंटेन्स हैं तो वो बैरियर की तरह काम करते हैं वो रोकते हैं तो चाहे ठंडी हवाएं हो चाहे गर्म हवाएं हो तो उनको जो है माउंटेन्स जो है पर्वत जो है वो रोकते हैं इस वजह से ये भी पॉसिबल हो जाता है कि उन क्षेत्रों में जो है बारिश बहुत ज्यादा होने लगे तो ये जो अगर सिचुएशन है किसी एरिया की उससे भी क्लाइमेट पर असर पड़ता है तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े सिंपल ही क्वेश्चन है घबराने की बात नहीं है पहले मैं इंग्लिश के आपको आंसर्स दिखा देती हूँ फिर हम हिंदी के भी आंसर्स करेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपका वट डू यू मीन बाय क्लाइमेट वट आर द एलिमेंट्स ऑफ इट तो आप इसका आंसर लिखेंगे ये द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ये क्लाइमेट की डेफिनेशन है तो एलिमेंट्स ऑफ यहां पर लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट आर तो बोथ वेदर एंड आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट आर टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल हिंदी में भी जल्दी से आपको मैं दिखा देती हूँ कि जलवायु से आप क्या समझते हैं तो ये आप जलवायु किसे कहा जाता है आप ये उत्तर लिखेंगे और वहीं आप लिखेंगे जलवायु के तत्व तापमान वायुमंडलीय दाब पवन आर्द्रता तथा वर्षण होते हैं तो ये आपका बन जाएगा आंसर वन फिर चलते हैं प्रश्न दो की तरफ तो केरल के जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों होता है तो ये जो है आपका यहां से आप लिखेंगे इसका आंसर आंसर टू समुद्री हवाएं तापमान को समरखने में सहायक होती है ये पूरा ये लिखेंगे इधर अब यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है कि जब आप ये लिखेंगे कि यही कारण है कि समुद्र के किनारे वाली जगह तो यहाँ आप लिखेंगे जैसे केरल तो यहाँ मुंबई लिखा है वहां पर जैसे केरल आप लिखेंगे और फिर ये पूरा आप आंसर लिखेंगे जैसे केरल में सालों भर मौसम लगभग एक जैसा होता है तो ये तो मुंबई की जगह केरल लिखना मत भूलिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपका Okay, तो यही फिर मैं आपको इंग्लिश में भी आपको ये आंसर फटाफट से दिखा देती हूं तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे ये पूरा एज द डिस्टेंस इनक्रीजे दैट इज वाई सिटीज नियर द सी तो यहां पर आप मुंबई की जगह केरल लिखेंगे सिटी की जगह आप स्टेट लिख सकते हैं राज्य लिख सकते हैं तो ये तो ये आपका हो जाएगा आंसर टू फिर लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन

उसके बाद आप इसके बाद क्या लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटेड टू पोल्स द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस हेंस द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एज इज क्लोजर टू पोलर रीजन्स इट हैज अ कोल्ड क्लाइमेट वेर एज इंडिया is near the equator. It has a warmer climate. तो ये आप साथ ही साथ इसके लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे और उसके बाद आप इसको लिखेंगे वहीं हिंदी में जब आप आंसर लिखेंगे तो अगेन आप इसको यहाँ पर हाईलाइट ये जो है पोर्शन ये आप लिखेंगे विशुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्या तप घटती जाती है अतः ता तापमान घटता है जैसा कि कनाडा ध्रुवीय क्षेत्र के करीब है इसी इसकी जलवायु ठंडी है जबकि भारत जो है भूमध्य रेखा के पास है इसकी जलवायु गर्म है तो भूमध्य रेखा की जगह आप इसको वृत्त भी लिख सकते हैं तो उसके पास है इसलिए भारत की जो जलवायु है वो थोड़ी गर्म है फिर चलते हैं आपके प्रश्न चार पर तो प्रश्न चार आपका कहता है कि जुलाई अगस्त के महीने के दिल्ली के तापमान और वर्षा के अधिकतम न्यूनतम और औसत की गणना एक चार्ट बनाकर कीजिए तो आपको जो है यहां पर कैलकुलेट uh, करना है मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ दिल्ली फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट बाय प्रिपेयरिंग अ चार्ट तो जल्दी से हम वो चार्ट दिखा देते हैं किस तरह से आपको ये चार्ट प्रिपेयर करना है तो ये आंसर फोर में आप इस तरह से एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो एक टेबल आप बनाएंगे कि ये जुलाई अगस्त तो उसमें मिनिमम टेम्परेचर क्या था वो आप यहाँ लिखेंगे जुलाई में क्या था अगस्त में क्या था मैक्सिमम क्या था यहाँ लिखेंगे एवरेज टेम्परेचर लिखेंगे और ये रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन वर्षा आप लिखेंगे हिंदी में भी आप इसको इसी तरह से ये कर सकते हैं तो आप चाहें तो एक बार चेक भी कर सकते हैं इसको ऑनलाइन की ये टेम्परेचर जो है वो ठीक है कि नहीं है बाकी हमने जो चेक किया था जो ऑफिशियल वेबसाइट से चेक किया था तो उसके हिसाब से टेम्परेचर यही है तो आज की आपकी वर्कशीट में इतना ही है उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं थैंक यू